नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा में जेजेपी नेता को सिर, छाती, पैर में मारी है गोलियां। आई है बड़ी खबर। तो हरियाणा में हिसार की हांसी में बदमाशों ने जेजेपी नेता और सैनी हीरो एजेंसी के मालिक की सिर, छाती और पैर में गोली मारी थी। इसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। सैनी को बुधवार शाम को उनके सैनी हीरो एजेंसी शोरूम के बाहर ही गोलियां मारी गई थी। जिस वक्त गोलियां मारी गईं, सैनी शोरूम के बाहर मोबाइल पर बात कर रहे थे। उनका गनमैन शोरूम के अंदर बैठा हुआ था। गनमैन को ड्यूटी में लापरवाही और बदमाशों पर गोली न चलाने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। वारदात में चार बदमाश शामिल थे, जिनमें से तीन फायरिंग करने शोरूम पर आए, चौथा बिना नंबर की बाइक पर उन्हें भगा ले गया। तीन बदमाशों के शोरूम की तरफ आते और वारदात के बाद चौथे के साथ भागते ही सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। वहीं परिजनों ने अब सैनी का शव लेने से इनकार कर दिया है। व्यापारी उनके परिवार को 1 करोड़ के मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग पर अड़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है, मृतक का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। सभी व्यापारी और नेता इकट्ठा होकर हांसी के बाजारों में कल बाजार बंद करने की अपील के लिए निकले। कुछ दुकानदारों ने व्यापारियों को देख अपनी दुकानें बंद भी कर ली। कल हांसी मार्केट पूरी तरह से बंद रहेगी। सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने लिखा, अराजकता के सिर पर ताज, हरियाणा में गुंडा राज, भाजपा का सुशासन हरियाणा में जंगलराज का नाम बन गया है। हांसी में जेजेपी नेता रविंद्र सैनी की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, और लाडवा में खुद भाजपा नेता के घर पर बदमाश धड़ल्ले से 6 राउंड फायरिंग करते हैं। यह है भाजपा का विकास मॉडल, जहां कानून व्यवस्था राम भरोसे है। लगता है हरियाणा में गुंडाराज के सामने भाजपा सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। भाजपा का डबल इंजन दरअसल डबल गुंडाराज बन चुका है। तो जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। वही हांसी सर्व व्यापार मंडल के व्यापारियों और मृतक जेजेपी नेता रविंद्र सैनी के परिजनों ने फैसला लिया है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। कल हांसी बंद किया जाएगा। सर्व व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग गर्ग, सर्व व्यापार मंडल हांसी के प्रधान बजरंग बंसल और व्यापारी नेता प्रवीण तायल ने कहा कि सरकार परिवार को 1 करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी दे। तो जी हाँ, ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है।